सो हे व्हाट्सअप गाइस, डेवलप आई गेमिंग यार। अब देखो यार, मेरे काफ़ी सारे भाई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई यार, हमें डिफ़ॉल्ट बंडल का ग्लीच फाइल बनाना सिखा दो। तो भाई यार देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट बंडल का जो ग्लीच फाइल बनाने का ट्रिक है वो मुझे पता तो है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। बोले तो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो मुझे जहाँ तक लें मतलब हो जाएगी आधे घंटे की वीडियो। तो देखो यार, तुम लोग को उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो मैं नहीं डालूंगा उसके ऊपर, लेकिन डालूंगा यार, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है यार, और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी, तो उसको मैं बना के आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी। तो देखो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि अपने इंजेक्टर के अंदर बोले तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाला फंक्शन कैसे लगाएं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को जो ट्रिक बताई थी पासवर्ड लगाने वाला, उसमें मैंने सिर्फ तुम लोग को सिर्फ पासवर्ड का ट्रिक मैंने बताया था कि तुम लोग अपने इंजेक्टर में पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताऊँगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हो अपने इंजेक्टर के अंदर। तो देखो यार, सबसे पहले तो तुम लोग को मैं एक फ़ाइल दूंगा, बोले तो जैसा कि मैं हर एक अपने इंजेक्टर वाली वीडियो के अंदर देता हूँ, बोले तो उसको कहते हैं यार मतलब इंजेक्टर कोड्स 15। तो ये वाली फाइल मैं तुम लोग को देने वाला हूँ, तो इसके अंदर तुम लोग को आ जाना है। देन इसके अंदर आ जाने के बाद तुम लोग को लेटेस्ट वाला डाउनलोड करोगे तभी तुम लोग को कोडिंग मिल पाएगी। तो तुम लोग डाउनलोड करके इसके अंदर आ जाना है। देन सबसे नीचे इसके अंदर आने के बाद सबसे नीचे चले जाना है, एंड यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ रहेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड कोडिंग। तो ये वाली कोडिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग इन मेन डॉट लुआ। तो तुम लोग को ये वाली कोडिंग को देखो यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो अभी देखो यहाँ से कहाँ चला गया, हाँ देखो यार फंक्शन से लेकर के एंड यहाँ तक, जहाँ तक मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है ना इन ई एन डी तक, बोल तो इंड तक, फंक्शन से लेकर के इंड तक तुम लोग को इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद बैक आना है एंड अपने प्रोजेक्ट को खोल लेना है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। एंड अभी देखो यार, मैंने एक तुम लोग को पिछली वीडियो के अंदर तुम लोग को वन डिवाइस लॉगिन बनाना सिखाया था ना, तो तुम लोग को एक बार में तुम लोग यार एक ही लॉगिन सिस्टम लगा सकते हो, चाहे वन डिवाइस सिस्टम लगा लो चाहे ऑनलाइन पासवर्ड का सिस्टम लगा लो। तो अभी मैंने इसमें वन डिवाइस लॉगिन सिस्टम लगा रखा है, तो अभी मैं इसे हटा के एंड अपना जो लॉगिन सिस्टम है बोले तो पासवर्ड वाला उसे लगाता हूँ। तो देखो यार, इसको हटा के मैं यहाँ पे तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको मैंने हटा दिया, एंड हमने जो अभी इसे कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखो मैंने अभी इसे तो पेस्ट कर दिया है, एंड अभी हमारा काफ़ी सारा काम बाकी है, जैसा कि वेबसाइट पे एंड इसका भी लेआउट डिज़ाइन करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो तुम लोग को वापस से आ जाना है, ये वाली कोडिंग पेस्ट करने के बाद वापस से आना है इसके अंदर, एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ रहेगा कोडिंग इन लेआउट ALY। तो यहाँ पे देखो कोडिंग इन लेआउट ALY लिखा रहेगा, एंड यहाँ पे ये कुछ ऐसा कोड लिखा रहेगा। तो तुम लोग को इसे भी ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से देखो यहाँ से ले करके एंड लास्ट तक इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद बैक आना है, एंड इस बार तुम लोग को आ जाना है अपने layout.ALY के अंदर, इसके अंदर देखो इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। तो बोले तो हम लोग का अभी सिर्फ पासवर्ड वाला फाइल लगा हुआ है, यहाँ पे देखो हमारा सिर्फ अभी पासवर्ड का ही सिस्टम लगा हुआ है। तो हम लोग को इसमें एक यूज़र नेम का भी बॉक्स ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। तो हम लोग को यूज़र नेम वाला ऐड करने के लिए तुम लोग को जो तुमने अभी कॉपी किया ना ALY वाला, तो तुम लोग को इसी पासवर्ड के ऊपर ही यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा। तो अभी देखो मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अभी मैं यूज़र नेम वाला फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो इसको पेस्ट कर देने के बाद अभी मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ, एंड प्ले करने पे देखो हमारा यूज़र नेम तो अभी देखो यूज़र नेम तो दिख रहा है, एंड पासवर्ड वाला इस बार गायब हो चुका है। तो उसको पासवर्ड वाले को वापस ले आने के लिए अभी यहाँ पे एक एरर बताएगा कहाँ चला गया। हाँ देखो ये वाला लेआउट मार्जिन टॉप जो भी है इसको तुम लोग को यहाँ से इसे हटा देना। तो अभी मैं फटाफट से इसे हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया, एंड अभी फिर से प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्ले करने पे हमारा इंटर यूज़र नेम एंड इंटर योर पासवर्ड दोनों ऑप्शन आ चुका है। अभी हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन करने के लिए इसकी आईडी देखो क्या है, आईडी है यूज़र नेम। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, मेन डॉट लुआ में आएंगे, एंड यहाँ पे आईडी का डिज़ाइन कॉपी करने का एक यहाँ पे था यार कहाँ चला गया, हाँ देखो यहाँ पे एक ये खाली पड़ा है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंड इसे वापस से ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सर्किल बटन का मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे बोले तो इसको यूज़र नेम में। तो अभी देखो मैं इसको फिर से यहाँ पे अभी प्ले करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर बता रहा है, हाँ शायद से सर्किल बटन जेड होना चाहिए यहाँ पे, तो सर्किल बटन जेड नहीं नहीं ये भी नहीं है यार क्या ही बोले। तो यहाँ पे मैं फटाफट से देख लेता हूँ यार कहाँ चला गया। तुम लोग यार वीडियो को पूरा देखना तभी तुम लोग को समझ आएगा। हाँ तो देखो यार, हम लोग उसे हटा के कहाँ चला गया यार इसका, यहाँ पे हाँ देखो यूज़र नेम ये था,
यहाँ से इसे कट करते हैं एंड इस वाले को हटा देते हैं। तो हम लोगों ने उसकी आईडी को कॉपी कर लिया है हमने यूज़र नेम का, एंड यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे एक ये वाला लेंगे बोले तो ये जो सर्किल बटन पासवर्ड है ना, तो इसको नीचे रखेंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे वापस से। तो देखो इसको पेस्ट करने के बाद इसका पासवर्ड को हटा के एंड हम लोग यूज़र नेम डालेंगे USER यूज़र नेम। तो यूज़र नेम डालने के बाद अभी मैं प्ले करता हूँ, एंड प्ले करने पर देखो हमारा आ चुका है दोनों ऑप्शन और डिज़ाइन भी हो चुका है। यहाँ पे देखो इंटर योर यूज़र नेम एंड इंटर योर पासवर्ड। तो अभी देखो ये वाला फंक्शन तो हमारा डल चुका है, एंड अभी हम लोग को अब काम करना है अपने वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे काम करने के लिए तुम लोग को आ जाना है क्रोम पे, एंड यहाँ पे खोलना होगा पेस्ट बीन, जो कि यार मैं हर वीडियो में बताता हूँ PASTE बोले तो पेस्ट बीन। एंड यहाँ पे अब तुम लोग को अपना आईडी वगैरह लॉगिन करके अपना पेस्ट बीन का जो भी रहेगा उसको ओपन कर लेना है। तो अभी कहाँ गया मेरा, ये रहा वन डिवाइस वाला मैंने बना रखा था ना। तो अभी तुम लोग को इसको अपने पेस्ट बिन में आ जाना है एंड आईडी बना के अपना जो भी पेस्ट था तुम्हारा उसे खोल लेना है। एंड खोल लेने के बाद तुम लोग को फिर से आना है इसमें इंजेक्टर कोड्स के अंदर, एंड ये नहीं था यार इंजेक्टर कोड्स, हाँ ये रहा देखो इंजेक्टर कोड्स के अंदर आना है। एंड यहाँ पे देखो कोडिंग इन वेबसाइट, तो तुम लोग को यार इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से। देखो यूज़र नेम से लेकर के एंड लास्ट तक इसे कॉपी करना है, एंड कोडिंग इन वेबसाइट को यहाँ पे तुम लोग को अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो इतना लिखा हुआ रहता है ना, इतना देखो ये इतना देखो लिखा रहता है ना, तो इतने में तुम लोग को हटा के एंड अपना यूज़र नेम डाल देना है एंड पासवर्ड जो भी है तो इसको डाल देना है। तो अभी मैं इसको हटा करके एंड डाल देता हूँ इंजेक्टर INGECTOR इंजेक्टर, एंड इसको भी हटाते हैं इंजेक्टर मेकिंग MAKING मेकिंग। तो हमारा आ चुका है यहाँ पे KING, हाँ देखो हमारा यहाँ पे मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोले तो इंजेक्टर मेकिंग डाल दिया है। अभी तुम लोग को इसे सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद तुम लोग को यहाँ पे देखो बैक आना होगा अपने इसमें प्रोजेक्ट के अंदर। देन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो हमने सब कुछ कर दिया है पेस्ट, एंड अभी देखो कहाँ गया हमने जो अभी पेस्ट किया था बोले तो इंजेक्टर का, हाँ ये रहा देखो हमने अभी अभी ये पेस्ट किया ना। एंड अभी देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है पेस्ट बीन लिंक, यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो पेस्ट बिन लिंक। तो पेस्ट बिन लिंक के अंदर तुम लोग को वापस से आना है यहाँ पे अपने क्रोम के अंदर, एंड यहाँ पे देखो अपने पेस्ट बिन के ऊपर देखो यहाँ पे एक लिखा रहेगा रॉ, तो रॉ वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। तो लिंक कॉपी कर लेने के बाद बैक आना है इसके अंदर, एंड यहाँ पे तुम लोग को ये पेस्ट बिन लिंक जो मिलेगा ना, तो तुम लोग को पेस्ट बिन लिंक को ऐसा सिलेक्ट करना है एंड पेस्ट कर देना है। तो अभी देखो मैं इसे फिर से प्ले करता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे प्ले किया एंड यूज़र नेम था हमारा बोले तो यूज़र नेम क्या था यार, हाँ इंजेक्टर INGE इंजेक्टर एंड मेकिंग MAKI मेकिंग। तो अभी मैं स्टार्ट हैक करूँगा, तो यहाँ पे देखो कुछ एरर बता रहा है बोले तो यहाँ पे देखो कुछ मतलब चल नहीं रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या एरर बता रहा है। तो देखो इसका आईडी तुम लोग वीडियो को देखते रहो, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा क्योंकि जो भी एरर होगा तुम लोग को लाइव समझ आ जाएगा कि क्या एरर आ रहा था। तो अभी देखो इसका पासवर्ड इसका जो मतलब बोले तो वो था क्या बोलते हैं अरे आईडी थी ना, तो देखो हमारा एक TXT यूज़र नेम एंड TXT पासवर्ड लिखा है। एंड अभी हम लोग अगर लेआउट में आएंगे तो लेआउट में आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूज़र नेम, एंड एक बार तुम लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो तुम लोग ध्यान से देखो यूज़र नेम लिखा तो है लेकिन सब कुछ स्मॉल में लेटर में है, देखो USER यूज़र नेम ये सब स्मॉल लेटर में है। एंड लेकिन तुम अब लोग अभी जब पासवर्ड देखोगे ना तो पासवर्ड देखो पहला अक्षर क्या है P और वो भी कैपिटल में, एंड अभी मेन डॉट लुआ के अंदर अगर तुम लोग आके देखोगे तो यहाँ पे देखो P लिखा हुआ है स्मॉल में। तो तुम लोग को ये वाले P को स्मॉल में लिखा है तो तुम लोग को इसे भी कैपिटल करना होगा यार, क्योंकि अगर ये कैपिटल में है वो कैपिटल में है दोनों सेम रहेगा तभी तुम्हारा वर्क करेगा। तो अभी देखो हमने इसे भी कैपिटल में किया है और वो पहले से ही कैपिटल लेटर में था। तो अभी मैं इसे जब प्ले करूँगा तो प्ले करने के बाद हमारा यूज़र नेम था इंजेक्टर INGE इंजेक्टर एंड मेकिंग MAKI मेकिंग। तो अभी स्टार्ट है एंड यहाँ पे स्टार्ट है करने के बाद थोड़ा सा ये नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे ये टाइम ले सकता है MAKING पासवर्ड तो अभी तो चला नहीं, फिर से लगता है कोई इरर है। तो अभी मैं फिर से चलता हूँ वेबसाइट पे एंड पासवर्ड देखते हैं क्या था INGECTOR इंजेक्टर MAKING मेकिंग, सब कुछ सही तो है यार क्या ही बोले। तो इंजेक्टर मेकिंग यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो अभी देखते हैं क्या इरर बता रहा है। तो फिर से डालते हैं हम लोग INGECTOR इंजेक्टर एंड KI मेकिंग। तो अभी स्टार्ट हैक करता हूँ मैं, तो भाई लोग यार अभी एरर बता रहा है तो मैं फिर से देखता हूँ क्या हो रहा है।
हाँ तो गाइस यार, जो हमारा इरर आ रहा था ना, मतलब हमारा फ्लोटिंग विंडो नहीं शो कर रहा था स्टार्ट करने पे, तो हमारा इसलिए इरर आ रहा था क्योंकि यार यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है txt यूज़र नेम एंड txt पासवर्ड, तो इसकी वजह से यार हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड गलत बता रहा था। क्योंकि यार अभी देखो हम लोग जब अगर लेआउट LY में जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसका देखो ID, देखो यूज़र नेम का ID है यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ID है पासवर्ड, एंड लेकिन हमने यहाँ पे ID क्या लिख रख के रखा है बोले तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है txt यूज़र नेम, एंड अभी हम लोग को यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड इसकी ID कॉपी करेंगे, तो ID है यूज़र नेम, यहाँ से इसे कॉपी एंड मेन डॉट लूँगा, एंड यहाँ पे देखो txt यूज़र नेम है, तो txt यूज़र नेम को हटा करके एंड इसका यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ID। तो देखो एक ID पेस्ट हो गई एंड हमारी दूसरी ID थी यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं एंड मेन डॉट लूँगा एंड txt पासवर्ड को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड देखो यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ इस बार पेस्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग फिर से इसे प्ले करेंगे। एंड यहाँ पे इंजेक्टर का पासवर्ड था, क्या था हमारा, इंजेक्टर मेकिंग INJE इंजेक्टर एंड मेकिंग MAKI मेकिंग। तो अभी स्टार्ट हैक हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारा फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड अभी यहाँ से हम लोग कोई सा भी हैक वैक तुम लोग यार रन कर सकते हो। तो देखो यार इस तरीके से तुम लोग अपने मतलब इंजेक्टर के अंदर बोले तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों एक साथ सिस्टम लगा सकते हो। एंड देखो यार कोडिंग का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग जाओ एंड फटाक से डाउनलोड कर लो एंड लो एप्लीकेशन एंड जितना भी फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर सब कुछ तुम लोग को मिल जाएगा। जाओ फटाक से डाउनलोड करो एंड खुद का इंजेक्टर बना लो यार, किसी का भी कॉपी करने का जरूरत नहीं है। एंड तुम लोग को ऐसी और धमाकेदार वीडियो चाहिए एंड बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखना है, तो तुम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, एंड तुम लोग को जो भी बनाना सीखना हो एंड जो भी तुम लोग की यार इच्छा हो तुम लोग यार कमेंट करके बता दिया करो, ताकि यार कमेंट मैं पढ़ूंगा तभी मुझे समझ आएगा ना कि हाँ भाई इस वीडियो के ऊपर टॉपिक बनाना है, बोले तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है यार ऐसा, तो फिर तुम लोग कमेंट जरूर किया करो यार। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।